मार्फिमियात और नहवियात जिसकी बहस हम इससे पहले देख रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ फर्क हैं। तो वो फर्क क्या है? मार्फिमियात और नहवियात ये इल्मे लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक की अहम ब्रांच है, इम्पॉर्टेंट उसको दी जाती है। उसमें दोनों के दरमियान कुछ बारीक फर्क है, वो आप यहाँ पर समझिएगा। कम से कम हम तीन बारीक फर्क दोनों के दरमियान बताते हैं, मार्फिमियात और नहवियात के। नंबर एक में है कि मार्फिमियात में हम लफ्ज की सतह तक जुबान का मुताला कर सकते हैं, यानी लफ्ज की सतह तक जो वर्ड आप देख रहे हैं उसी पर, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। लफ्ज कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि लफ्ज बन जाए वहीं तक हम उसमें बात करते हैं। जबकि नहव में यानी नहवियात में हम दो अल्फाज या दो से ज्यादा अल्फाज जुमले का मुताला करते हैं। दूसरा फर्क है कि मार्फिमियात जो मॉर्फोलॉजी है उसमें किसी जुबान में अल्फाज की साख कंस्ट्रक्शन, उनमें मार्फीम की तरतीब सेटिंग और मार्फीम की किस्में वगैरह का मुताला करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। जबकि इल्म नहव में क्या करते हैं कि मुख्तलिफ अल्फाज जो डिफरेंट वर्ड्स हैं किन उसूलों के तहत एक दूसरे के साथ मिलकर तरकीब में और पूरे जुमले में इस्तेमाल होते हैं, इसका मुताला नहव में होता है। यानी वो जो पूरा जुमला बन रहा है उसके रूल और उसूल जो है जहन में रहते हैं और वही इल्म नहव है। अब इसके साथ तीसरा डिफरेंस क्या है मार्फिमियात और नहवियात में, वो ये है कि लफ्ज का तज्जिया करने पर एक मार्फीम या एक से ज्यादा मार्फीम मिल सकते हैं मार्फिमियात में, जबकि एक नहवी तरकीब का तज्जिया करने पर उसके जुज़्वे मुत्तसिल में से भी पाबंद इकाई नहीं होगी। तो ये तीन डिफरेंस मार्फिमियात और नहवियात के दरमियान बहुत ही अहम है, इसका जहन में रहना बहुत जरूरी है।